सिमडेगा के कोलेबिरा में बीजेपी मंडल की ओर से नीलांबर पीतांबर स्मारक स्थल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के पूर्व डीआईजी और बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह भी शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी अपराधी को नहीं बल्कि जो क्षेत्र का विकास करे उसे मतदान करे। जिले के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट एसपी रहा हूं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी और पलायन की समस्या, यहाँ की हजारों बच्चियां दिल्ली गुजरात और साउथ में घरों में बर्तन मांजती थीं, जब मैं सैकड़ों बच्चियों को वहां से छुड़वा के बुलाया। समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करना है ताकि इस जिले में कैसे रोजगार स्वरोजगार यहाँ डेवलप, जो चीजें यहाँ पर होती हैं उनकी यहाँ पर कैसे छोटे छोटे फैक्ट्री लगे, यहाँ पर स्वरोजगार डेवलप करें, इसको एजुकेशन हब के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, यहाँ टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि रामरेखा धाम हमारे पास है, भगवान का दिया हुआ धाम है। अगर वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा तो बहुत लोगों को यहाँ रोजगार स्वतः मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमको लगता है कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, चूँकि अर्जुन मुंडा जी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और ऐसा नेतृत्व है इस लोकसभा को मिला है, तो निश्चित रूप से इन सब पहलुओं पर काम होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।